आई एम सो हैप्पी कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और मैं गुरुजी के मतलब ज्ञान में मुझे ज्ञान मिल पा रहा है। और अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो हर 1.5 घंटे का मैं पिछले 3-4 महीने से कर रही हूँ। जैसे आप हमेशा बोलते हैं ना कि जो कोई लाइफ में कमी होती है उसके लिए अगर हम पहले से ही थैंकफुल है तो वो बढ़ जाता है, वो अपने आप बढ़ जाता है। तो मुझे पता है कि अचानक से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे, घर पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड की वजह से या वो 1.5 घंटे के ग्रेटफुलनेस से पूरी लाइफ 360 डिग्री में चेंज हुई है। इवन आई डिड द POI, आप वहाँ पे मुझे लकीली मिले, तो मुझे पता है कि लाइफ ने इतना मस्त टर्न लिया है ना कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है, ये यहाँ पे सीखी हूँ। येस आई एम लिविंग इन एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं गाइस सबको बताऊंगी कि 1.5 घंटे का अलार्म लगा ही लीजिए आप। आज का क्या मिला वो बताइए। आज का जैसे कि अभी मेडिटेशन के बारे में बात करती हूँ कि अभी जो मेडिटेशन मैंने किया कि वहां पे मैंने वो एनर्जी फील की कि मेरा सहस्त्र दल ओपन हो रहा है, मेरे हर एक जो भी 7 चक्रास है वो ओपन हो रहे हैं, वो मैंने फील किया अंदर से, वो वार्म अभी भी मैं फील कर रही हूँ। तो आज मेरे लिए वो है कि हाँ कहीं पे तो ब्लॉक था तो वो ब्लॉकेज निकल के चले गए, वो 100% मुझे आज बिलीफ हो गया कि हाँ वो चले गए, तो आज इतना लाइट फील हो रहा है मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द सेम। कि मैं कभी ऐसा सोचती थी मेरे मेरे क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, लेकिन अभी मुझे पता चली और ये भी चल पता चला कि मैं वीकनेस को भी वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकती हूँ, जो पॉसिबल है। अब तक ऐसा समझता था मेरे वीकनेस है, ऐसे कर नहीं सकती हूँ, ऐसा ऐसा थॉट था, लेकिन अभी मुझे डेफिनेटली है कि वो मुझे चेंज होना ही है, वो वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी, 100% होगी। बहुत अच्छा। मेरे अंदर जितने भी वीकनेसेस हैं उसको मैं ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ इन स्ट्रेंथ। जैसे बहुत इमोशनल हूँ, आपने मुझे एग्जाम्पल दिया, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो ये सारे इमोशनल पर्सपेक्टिव जो है मैं भगवान की तरफ कर सकती हूँ और उसमें मेरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल सकता है। तो जितना भी वीकनेस है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यही मेरा आज का टेक अवे है। थैंक यू। माई टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन इज आज दूसरों से जान के अपने अपने जो स्ट्रेंथ है वो जान के एक एक आ जाता है, एक एक हैप्पीनेस जो आ जाता है उसको भी आप कंट्रोल करके आपके ईगो में नहीं कन्वर्ट करो। एक वो एक चीज़ पता चले कि आपको आपकी स्ट्रेंथ अगर किसी ने आपको प्रेज कर दिया, बहुत अच्छा बोल दिया, तो एकदम बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए, उसको कैसे छोड़ना चाहिए, वो एक मुझे अच्छा लगा। बहुत खुश नहीं रहना चाहिए ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैं बोला बहुत खुश रहो, लेकिन वो अहंकार को मजा लीजिए, फिर सेकंड जो है उसको उसको जीरो में कन्वर्ट कर दिए और फिर उसको आगे छोड़ सो। दीजिए, लेट गो। मैंने ध्यान से सुना और सिर्फ आज सुना बस, आई थिंक मैंने बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मुझे दो तीन चीजें बहुत क्लियरली समझ में आई कि जो मैंने स्ट्रेंथ वीकनेस अपने लिखे थे मेरी फैमिली को मोर और लेस सेम ही लगते हैं। मे बी मेरी इनर नोइंगनेस हाई स्टेट पे है, आई डोंट नो क्या है रीजन, बट आपने जब बोला ना कि हमारा जो वीकनेस है उससे बहुत लोग को फायदा हुआ होगा, सो मैंने अपना एक वीकनेस लिखा था कि मेरा मनी का जो बजटिंग का हिसाब है ना वो ठीक नहीं है, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। लेकिन मेरे को तब आपने जब बोला ना बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ होगा, दैट्स राइट, बहुत लोगों को उससे फायदा होगा। तो मैं अपने वीकनेस को ये लेके नहीं चल रही कि ये मेरे में कुछ गलत है। ऑफ कोर्स जैसे कीर्ति ने भी बताया कि दिस इज देयर इज अ स्कोप, मैं अगर इसको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाऊं तो कोई स्कोप है कि मैं मनी के साथ बहुत इजी भी हूँ। अगर मेरा बजटिंग का सिस्टम नहीं है तो आई एम वेरी इजी विद मनी। कि जब आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं ईगो प्ले करती है, और आपने वो ना दैट्स अ वेरी बुल्जाई पॉइंट, वेरी बुल्जाई पॉइंट, कि यू नो जब भी मुझे लगता ना मैं बड़ी ऑर्गेनाइज हूँ, मैं समवेयर यू नो आई आई हैव बिट, मेरे को थोड़ा सा जजमेंट आता है उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। जनरली हम वीकनेस के बारे में तो बात ही नहीं करते, मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि खाली मेरी स्ट्रेंथ क्या, मैं आज तक वही सोच रहा हूँ। और मैं एक्चुअली उस समय ट्रेवलिंग में था, अभी घर पे आके सबसे पहले यही पूछा घर पे कि मेरी वीकनेस बताओ, क्या क्या मेरी वीकनेस है। तो आते में ही मेरे को जो बोल नहीं सकते थे, बोलते हुए भी डरते थे, मेरे को बताया ये चीज। हाँ, एक तो मेरी सबसे मेरी बेटी ने बताया अपनी बात मनवाना, मेरी बात होती है और दूसरे को सुने भी नहीं, बस खुद की बात बोलना जल्दी जल्दी, ये मेरे को मालूम पड़ा। और फीलिंग ऑफ लेक का मालूम पड़ा, पापा आप
फीलिंग ऑफ होते हुए भी आप में फीलिंग ऑफ है लेक, मैंने कहा वो मेरे को रियलाइज हुआ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोलना है कि मैं बहुत 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 लकी हूँ जो मैं यहाँ पर हूँ। फर्स्ट डे जब आपसे पहली बार बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि आई एम वेरी क्रिएटिव, लेकिन मैं मेरी लाइफ में कुछ चीज की कमी है, आपने बोला था डिसिप्लिन। सो नाउ आई एम फीलिंग कि वो डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आ रहा है, और मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती है मेरा माइंड अपने आप को आंसर, इवन आपकी वॉइस गूंजती है मेरे दिमाग में, ये है सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। एंड आई एम वेरी लक्की, आज मॉर्निंग का सेशन जब लिया हो रहा था मैंने ज्वाइन किया, मैं लेट थी थोड़ी, उसमें आप बता रहे थे माय मैजिकल वर्ल्ड के बारे में जिसमें लिखने के लिए आपने बोला था शायद, तो मैंने एक्चुअली 3 घंटे लगा के उसको कंप्लीट किया है। wow. ये विद द पिक्चर वे आई एम डूइंग योगा एंड डूइंग एवरी प्रैक्टिस देयर। एंड इन द नेक्स्ट पेज मैंने सिर्फ मेंटल वाला भी कंप्लीट किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी इसको फिल करके, और आई एम फीलिंग कि जो मैंने लिखा वो मैं कर भी रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, आज सुबह लिया में आप आए और आपने इतना अच्छा लिया सेशन लिया, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। लिया लिया तो लिया ना लिया लिया।